अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रेवी चिकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चिकन लिया हुआ है मैंने 500 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, धोकर मैंने इसके अच्छे से पानी मैंने सुखा दिया है। अब तो सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं। चलिए गैस मैंने ऑन कर लिया है। हम इसमें डाल देंगे 4 लाल मिर्च, ये काजू लिया है 10 से 12, ये हाफ हाफ कटा हुआ है। ये इसको हम हल्का हल्का से रोस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा। चलिए हो गया है, गैस हम बंद कर देंगे। अभी इसको मैंने 20 सेकंड तक मैंने इसको इस तरह से रोस्ट कर लिया है। 20 सेकंड रोस्ट करना, जलना नहीं चाहिए। चलिए इसको निकाल लेंगे। चलो हमने ये निकाल लिया है, मिर्ची और काजू जो है। अब ये गरम है तो हम इसी में डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसको हम फैला देंगे इसी के अंदर, ये बिल्कुल रोस्ट हो जाएगा, कुरकुरा हो जाएगा। ये लिए मैंने ग्राइंडर जार, इसमें हम डाल देंगे इसको। टमाटर लिया है मैंने, 2 टमाटर लिया बड़े साइज़ का। इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया इस तरह से। इसको हम पीस लेंगे। चलिए देखिए, इसको पीस लिया है इस तरह से। चलिए इसको निकाल लेंगे। चलिए कढ़ाई ले लिया है मैंने, गैस मैंने ऑन कर लिया है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सरसों का तेल, थोड़ा सा तेल ले लिया है। उसको हम होने देंगे गरम। चलिए तेल गरम हो गया है, ले लेंगे 2 प्याज लिया है ये मैंने इस तरह से। मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है इसको। इसको हल्का ब्राउन कर लेंगे। देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गया है ये। हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच है। अदरक लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे, कच्चापन हट जाना चाहिए। अब हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच लिया मैंने हल्दी पाउडर। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे पहले। तो देखिए अच्छे से भून गया है ये, लहसुन का जो पानी था अच्छा सूख गया है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, ये 1/2 चम्मच लिया है मैंने। 1 चम्मच लिया मैंने धनिया पाउडर। हम दोनों को इसमें मिला देंगे और अच्छे से इसको ही भूनेंगे। गैस का फ्लेम लो रखना है, लो फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। चलिए मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसमें डाल देंगे सारा चिकन, इसको अच्छे से हम इसमें मिला लेंगे इस तरीके से। इसको अच्छे तरीके से भूनना है। इसमें डाल देंगे नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है। ये 10 से 15 दाने लिए मैं काली मिर्च के, ये भी डाल दिया मैंने इसके अंदर। आपकी मर्जी हो, आपको डालना हो तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें डाल देंगे ये जो टमाटर का और काजू और लाल मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। तीखा अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने 1/2 चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्च भी डाला है। वैसे तो जो लाल मिर्च मैंने डाले हैं मोटे वाले, वो ज़्यादा तीखा नहीं है, वो हल्का तीखा है। इसको हम भूनेंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम हाई तक करके गैस के फ्लेम को। इसको अच्छे से भून लेना है। जितना हम अच्छे से भूनेंगे उतना ही चिकन जो है हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए 5 से 6 मिनट हो गया इसको भूनते हुए। मुझे ये करेज लिया मैंने, इसको मैं हाथों से इस तरह से बारीक कर लेना है। हाथों से करेज कर लेना है इसको। देखिए उसको इस तरह से बारीक कर लेना है। देखिए अच्छे से हमने चिकन को अच्छे से भुना है, बिल्कुल मसाला भी अच्छे से पक चुका है इसका, चिकन भी अच्छे से भुन गया है। इसको हम जितना भुनेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा ये। इसको मैंने पहले भुना था 4 से 5 मिनट 6 मिनट के लिए। अब मैं इसको फिर 6 मिनट के लिए फिर मैंने भून लिया इसको अच्छे तरीके से। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। गैस को फिर हम मीडियम से हाई पे कर देंगे बिल्कुल। अब हम इसको लो फ्लेम पे, चलिए हम इसको 12 मिनट तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसको मैंने बीच में भी देखा था। इसमें डाल देंगे हम ये गरम मसाला 1/2 चम्मच और ये जो कसूरी मेथी लिया था मैंने, ये डाल देंगे इसके अंदर। और सभी को मिक्स साथ इसमें इस तरह से मिक्स कर देंगे। चलिए इसको हम 10 सेकंड तक ढक के रख देंगे, क्योंकि मैंने इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डाला है, उसकी खुशबू अच्छे से इसमें ऐड हो जाएगा। चलिए देखिए 10 सेकंड हो गया, मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो इसको निकाल देंगे। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितना आपको पसंद हो। देखिए ग्रेवी चिकन बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से बनाइए, एक दफ़ा आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। देखिए खाकर बहुत टेस्टी बनता है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। इसको आप रोटी पराठे के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, बहुत टेस्टी बनता है। इसी तरह से बनाएं। मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।